Hi everyone, this is Neha Tiwari. Welcome back you all on my channel Morning Buzz. आज का हमारा व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ सनसेट देखने. यस, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं जयपुर में होती थी तो एक जगह थी नाहरगढ़. वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी, वहाँ जाती थी, सनराइज़ देखती थी या फिर कभी इवनिंग में जाकर सनसेट देखो तो बहुत ही प्यारी सी जगह थी. और गुड़गांव में मतलब शायद ही ऐसी कोई जगह होती है जहाँ हम शांति से मतलब ये ट्रैफिक की आवाज़ या फिर कुछ भी ये सब छोड़कर बस शांति से सनसेट देखें. बट यस, ऑफकोर्स गुड़गांव वाले लोग हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो आज मैं जा रही हूँ चुटकु चुटकु सर ट्रैकिंग करने और हम जा रहे हैं लेपिड ट्रायल. ये लोकेशन अरावली हिल से पूरी सराउंडेड है तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी. और हाँ, थोड़ी हाइट पे है तो ऑफकोर्स सनराइज़ हो या सनसेट हो आपको बहुत प्यारा लगेगा देखने में. अब मैं सोच रही हूँ वहाँ जा रही हूँ तो अपना योगा मैट तो लेके ही जाऊँ, फुल यूटिलाइज़ करना है टाइम को. और पता है यहाँ पे कल बारिश हुई थी तो मैंने आज का टाइम इसीलिए चूज़ किया कि अगर कल बारिश हुई है तो आज मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए, बाहर एकदम ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर बहुत ही गर्मी हो रही है. बट हमें अपने जुनून से काम लेना है, मुझे देखना है सनसेट. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट अपना सारा सामान पैक कर लूँ एंड विल गो फॉर मिनी ट्रैकिंग. चलिए दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपने सफर पे और मैं आपको मिला दूं अपने पार्टनर से, हेलमेट मैन. मुश्किल भरे रास्तों पे चल चल कर हम जा रहे हैं सनसेट देखने. जिंदगी गले लगा ली. इस जंगली वीरान बीहड़ में हम दो बीहड़ वो नहीं आता था मैन वर्सेस वाइल्ड. यहाँ पे भी किसी ने अपनी आकृति का प्रदर्शन करा हुआ है. कलाकृति आर्टिस्ट आइए बबूल के पेड़ के ऐसे घूम खुद के जाएंगे. बबूल का काटा बबूल में घुस गया. और हमें ले जाना है वहां ऊपर. देखिए गौर से देखिए ऊपर जाना है. इनको यहाँ जाना है. नहीं नहीं उतना दूर नहीं, थोड़ा कैमरा मैन नीचे यहाँ तक जाना है हमें. वो कितना सुंदर लग रहा है देखो. What you been doing is to go even
फाइनली हम पहुंच गए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ये सामने जो आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो यहाँ से बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है। See this pretty view from here. थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और आपको अगर बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही हो तो यहाँ काफ़ी पीकॉक्स हैं। पीकॉक्स हो चाहे बर्ड्स हो, इनकी आवाज़ यहाँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लियर आती है। सोचा भी था कि इफ़ आई एम हियर देन आई डू अ योगा वीडियो शूट, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं तो आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी या नहीं। तो मैं चुपचाप से बैठकर अब सनसेट ही देख लेती हूँ। एंड फाइनली यू कैन सी द व्यू, सनसेट हो चुका है और मेरे दिल को शांति मिल चुकी है। बिल्कुल हाथ सूखा सूखा हो गया है, पूरा कपड़ा गंदा हो गया है और हमारा चेहरा हताश चेहरा, दिखाओ लोगों को, हमेशा लैंडस्केप में बोला था ना बनाने को, हे प्रभु। हमारा हताश चेहरा, हमारी ट्रैकिंग हो गई है ख़त्म, सन हो गया है सेट और हम चल रहे हैं। अच्छा, इतनी मुश्किलों के साथ, सॉरी, उतनी ही आसानी से हम ऊंचे उतर रहे हैं। बड़े पत्थर हैं, कांटे हैं रास्ते में। कांटे कहाँ हैं? कांटे ये रास्ता, तो ये रास्ता थोड़ी है, ये रास्ता नहीं है। फिर इस रास्ते से क्यों नहीं जा रही? अच्छा, लांग लांग के दिखाओ। इसके बाद हम आ गए एक कैफ़े में, जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर द पर्सन हु वांट टू चिल आउट इन द इवनिंग। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने डॉग्स के साथ यहाँ पर आकर मस्त चिल आउट कर सकते हैं। आइए आइए आइए, हम आपको लेकर चलते हैं और हमारा योगा शोगा तो हो गया है, थोड़ा खान और पान पे भी ध्यान दिया जाए। आइए, पान पे इतना जोर क्यों दिया है? अरे रायता फैल गया। ट्रैक्टर चिया, चिया दिखाइए, चिया। आइए आइए आगे।